अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं स्वाबी जलसागाह में मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। हांड की पुकार, अवाम की ललकार, इमरान खान की तस्वीर है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की तस्वीर है और आगे ये जलसागाह है। बहुत बड़ा जलसागाह है जहाँ अभी से ही मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे उनके क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे कल के जलसे के हवाले से। कल इमरान खान की कैद को, कल नाहक कैद को एक साल मुकम्मल हो जाएगा। लोगों के इमरान खान के बारे में क्या जज्बात हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गुजराती भी आगे निकल तनवीर अहमद गोंदल, हल्का पीपीटी जलालपुर जटा गुजरात से। गोंदल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ अभी से ही पहुँचना शुरू हो गए हैं और आप अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, यही लोग हैं या मजीद लोग मजीद आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कायद की ललकार पे और पकार पे इंशाल्लाह ताला हम हाजिर हैं और इस तरह ललकार के साथ हैं कि हमारा जो एक बड़ा वफद और बड़ा काफिला जो है यहाँ पे पहुँच चुका है, दूसरे साथी जो है वो रात तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला और गुजरात शहर से बड़ी तादाद में जो है सारे साथी आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि किस तरह के खान साहब के जज्बात ने हमें हौसला और ताकत दी है कि हमने हर सूरत इस मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए जुरत के साथ, बहादुरी के साथ डट कर इसकी आजादी के लिए जंग लड़नी है। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह गुजरात से काफले आ रहे हैं और हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान में खुशहाली बेहतरी जो है उसके जामन इमरान खान साहब हैं, वही कायद है जो मुहिब्बे वतन भी है, जुरत वाला, हिम्मत वाला इमरान खान है। अच्छा, मुझे ये बता दें, एक साल मुकम्मल हो जाएगा कल इमरान खान की कैद को, आपका लीडर जेल में है तो क्या जज्बात है आपके इमरान खान के बारे में, और कल यह खबर आ रही थी कि कल उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिली तौर पे बहुत तकलीफ होती है जब इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसा मैसेज शो होता है कि वो उनको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे कायद हैं और ये इस मुल्क के वजीर आजम हैं, तो दुख और तकलीफ तो बहुत है। अगर उनको कोई थोड़ी भी तकलीफ हो हम महसूस करते हैं और इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की अवाम, पूरी कौम जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से देख रही है और उनके लिए दुआ कर रही है कि अल्लाह तबारक व ताला जल्द से जल्द इमरान खान साहब को वो बाहर लेके आए और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की बागडोर संभालें और इस मुल्क के जो उनके वर्करों पे, दूसरे पे जुल्म और सितम हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो सारे लोग कुर्बानी देने के लिए, इमरान खान के लिए, इस मुल्क के लिए तैयार बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हम सब खान साहब के शाना बशाना है और इस मुल्क की बेहतरी जो है और इस मुल्क की खुशहाली जो है वो यकीनन इमरान खान से वाबस्ता है। इंशाल्लाह ताला हम खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला जब भी जरूरत हो तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इस कौम का बच्चा बच्चा खान साहब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जलसा का बहुत बड़ा जलसा है, अगर आप आए हैं तो बहुत दूर तक जलसा है। आप देखेंगे कि ये कल इंशाल्लाह ताला छोटा पड़ जाएगा, इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के पांच जगह और भी बना लेना तब भी कम पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ये इतना बड़ा जलसा गया, आप कहने का ये छोटा पड़ जाएगा? छोटा पड़ जाएगा, ये बहुत थोड़ी जगह है। जो आज हमारे जज्बात है आप देखें, गुजरात से हम सुबह के आगे हैं और इसी तरह सारे साथी फोन पे रबते हैं, सारे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे की इंशाल्लाह ताला ये जलसा का कल इंशाल्लाह ताला साबित करेगा कि इमरान खान जो है वही इस कौम की उम्मीद है, इस कौम के जो मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के लिए वही एक किरण है इंशाल्लाह ताला, जो कल के जलसे से साबित होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पंजाब से लोग आए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पंजाब से लोग आए हैं और जलसा है पर पख्तूनख्वा में है। कल पता चलेगा कि जलसा कैसा होता है। लोग ये उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि जलसा का छोटा पड़ जाएगा, कल इमरान खान की कैद को एक साल भी